नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। और देखिए, जितने भी अभी तक हमने जो है क्लासेस का करा दिया है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसका हमने अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर जो है इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जो प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है इसके रिगार्डिंग। इसमें देखिए, आपका जो भी CBT 1 और CBT 2 में आपके जो पेपर आने वाले हैं, आपका जैसे कि जनरल नॉलेज का है, साइंस का है, आपका हिस्ट्री ऑफ रेलवे, DFCCL का, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, जो कि आपका ये CBT 2 में आपका आएगा ये, तो इन सभी के लिए हमने जो इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसके लिए जब आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें जो है आपको ये सारे इनके वीडियो लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको PDF भी जो है मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पे। और ये जो है आपका ऐप पे अवेलेबल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और देखिए, आप लोग जब ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपको स्टोर सेक्शन में चले जाना। यहाँ पे देखिए, आपको कोर्स दिख जाएगा DFCCL वाला, उसको सेलेक्ट कर लोगे आप लोग। और जब बाई करोगे तो आपको फिर कॉन्टेंट सेक्शन में जाना। यहाँ पे आपको सारे जो है फोल्डर्स मिल जाएंगे आपको लेक्चर्स का और PDF का। तो आप लोग एक जगह पे अच्छे से तैयारी इसका कर सकते हो, CBT 1 और 2 दोनों का एक साथ में। ये जो आपका एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा, तो ये जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और आप लोग अगर PDF बाई करना चाहते हो अलग से, ओनली PDF, तो इसके लिए भी हमने फैसिलिटी दे दिया है। वो चाहे PDF का कोई भी सब्जेक्ट का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, या फिर जो हिस्ट्री ऑफ रेलवे DFCCL का हो, या फिर चाहे आपका जनरल साइंस का हो, या फिर CRM का हो, या फिर चाहे आपका इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का हो, तो इन सब का जो है हमने बना दिया है। इन लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी PDF का। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, हाउ मेनी रेलवे जोन्स केम इन टू बींग इन 1952। तो यहाँ पे देखिए, बात कही जा रही है कि कितने जो है रेलवे जोन्स थे 1952 के, जब आपका ये हुआ था, ये साल तक पूछा गया यहाँ पे। तो देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग कि जो रेलवे जोन्स है, तो वो करंटली अभी तो जैसे 19 है यहाँ पे अभी, इंक्लूडिंग जो आपका जो कि कोलकाता मेट्रो है, इसके अलावे तो टोटल अगर बात करते 1952 की बात करें उस समय तक का, तो उस समय जो है 6 रेलवे जोन्स थे। यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो रेल नेटवर्क थे पहले, तो उनको देखिए डिवाइड किया गया था 6 जोन्स में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाया रेलवे का। तो ये जो है शुरुआत हुआ था जोन में बांटने का, तो वो 1952 में ये किया गया था। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग आप लोग पूरा डिटेल में देख सकते हो, रिगार्डिंग जोन आपका जो रहता है यहाँ पे। तो देखिए, जो रेलवे का जो जोन जो रहते हैं, तो उनको जो है डिवीजन किया गया हुआ है ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके रेलवे का। और ये जो है किया गया हुआ था शुरुआत जैसे 1952 में किया गया था, एग्जिस्टिंग जो रेल नेटवर्क थी उनको डिवाइड कर दिया गया था 6 जोन्स में। और अगर करंटली अगर हम लोग बात करते हैं अभी का, तो टोटल जो है 19 जोन्स है, जिसमें कि मेट्रो रेलवे जो है कोलकाता का, तो ये भी जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, जो जोन जो होते हैं ना, तो उनको भी फर्दर जो है डिवीजन में बांटा जाता है। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे, अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे कि आप SECR जोन की आप बात करोगे, तो इसमें 3 जोन आते हैं आपके, बिलासपुर जोन, बात करते हैं रायपुर हो गया, नागपुर हो गया। तो इस तरीके से टोटल जो है 70 डिवीजन है इंडियन रेलवे सिस्टम के अंदर में। और जितने भी डिवीजन जो होते हैं ना, तो उसके देखिए एक हेड होते हैं जो कि डिविजनल रेलवे मैनेजर, यानी कि DRM होते हैं, और वो जो है अपना रिपोर्ट सौंपते हैं जनरल मैनेजर को, यानी कि उस जोन के जो GM होते हैं, तो उनको जो है अपना ये सौंपते हैं। और इसके साथ में देखिए, जो कि DRM होते हैं, तो उसके साथ में ADRM भी रहते हैं। जैसे कि इस तरीके से पूरे तरीके से आपका चलता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का रेलवे का। तो ये सारा चीज़ आपको डिटेल में जो है मिल जाएगा इस PDF के अंदर में। आप लोग इससे जो है पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। इसमें जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन रहेंगे थ्योरी के साथ में आपका, जैसे कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। तो ये सारा चीज़ देखिए दिया हुआ है आपका PDF के अंदर में, और डिटेल रिगार्डिंग जितने भी आपके हैं इसके अंदर में। तो टोटल क्वेश्चन जैसे कि आपके पूछे गए हुए थे यहाँ पर, आपके उसी के अकॉर्डिंग ये PDF बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि जोन कितने थे 1952 तक में, तो उस समय 6 थे आपके, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे एक्सक्लूडिंग द मेट्रो रेल। तो देखिए, उस समय जब ये क्वेश्चन आपका आया हुआ करता है, तो कुछ इस तरीके से भी पूछा आ सकता है आपका। तो देखिए, ऑप्शन को देखते हुए आपको एलिमिनेट करना होगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपका मे बी ये 2017 का या फिर जो होगा, तो बाकी और देखिए मेट्रो अभी जैसे जो और बढ़ा दिए गए हैं, तो उस समय यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो करीबी था आपका दिया था वो 16, तो
क्योंकि 16 जोन थे उस समय तक के, ये जो है मेट्रो को इंक्लूड नहीं करके इसने बताया हुआ है। लेकिन करंट का अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल 18 जोन है अगर मेट्रो को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो, लेकिन इंक्लूड करेंगे तो 19 आपका होगा। और देखिए कौन कौन से जोन होते हैं, कौन मतलब कौन कौन से जोन है अभी फिलहाल में, तो आप जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट इसका देख सकते हो, पूरा डिटेल में जो है आपको PDF के अंदर में मिल जाएगा। जैसे बात करते हैं हम लोग रेलवे जोन्स की, तो पहला आपका जैसे सेंट्रल रेलवे है, तो इसका जैसे कि सभी जोन जो होते हैं उसका एक हेडक्वार्टर भी होती है। तो इसका देखिए जो सेंट्रल रेलवे है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई का CSMT, और जो है रूट लेंथ कितनी है इसके आप यहाँ पे भी ये भी देख सकते हो, पूरा डेटा आपको जो है याद रखने होंगे। और वहीं पे डिविजन्स में भी बांटा गया हुआ है जितने भी जोन से, तो यहाँ देखिए जो सेंट्रल रेलवे है तो इसका डिवीजन जैसे कि मुंबई है, भुसावल है, पुणे है, सोलापुर है, नागपुर होशियार है, तो ये सारा जो चीज़ है आपको याद रखना होगा। इनसे भी डिटेल में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हाउ मेनी रेलवे डिविजन्स है आपके सेंट्रल रेलवे का, या फिर आपसे कुछ और भी पूछ सकते हैं। दूसरा आपका जैसे कौन कौन रेलवे है, तो इसका देखिए जो हेडक्वार्टर है जनरल हेडक्वार्टर है नवी मुंबई है, और इसका जैसे कि डिवीजन आपका कारवार और रत्नागिरी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, जैसे नॉर्दर्न रेलवे की बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में है, और इसका जो डिवीजन होता है जैसे दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ, NR हो गया आपका, और मुरादाबाद आपका हो गया। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आपका, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट रेलवे जोन है, और ये जो है डिवीजन इसका आता है जैसे इजातनगर, लखनऊ, बनारस, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आप जो है पूरा कंप्लीट लिस्ट इसका देख सकते हो, टोटल जो आपके जोन्स है यहाँ पे इंक्लूडिंग मेट्रो रेलवे, तो ये जो है टोटल आपका 19 आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो यहाँ पे। और देखिए ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका कि जैसे कोलकाता और जो मुंबई है, तो ये वो शहर है कि जहाँ पे जो जनरल हेडक्वार्टर है वो मोस्टली ज़्यादा है, यानी कि तीन तीन जो है हेडक्वार्टर इन जगहों पर है। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है, आप लोग जो इन सबको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन आपका देखिए किसी भी तरीके से इसमें से पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आपको क्लियरिटी हो गया होगा। जैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस तरीके से आपको आंसर देने होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका अगला, यहाँ पे उसी तरीके से पूछा गया घुमा फिर आके कि वेन वॉज इट डिसाइडेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क बाई जोन्स, यानी कि ये जो है कब डिसाइड किया गया था कि जो एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क है उनको जो है अब जोन में बांटा जाएगा। तो ये देखिए हुआ था आपका 1952 में, जैसा कि पहला क्वेश्चन में ही ये दूसरे तरीके से पूछा गया हुआ है, तो यहाँ पे 1952 में जो है ये डिसीजन लिया गया था कि जो एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क है उनको डिवाइड किया जाएगा 6 जोन्स में, ताकि उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से किया जा सके। तो ये जो है ईयर भी इम्पोर्टेंट है आपका, तो सारा डाटा हमने देखिए PDF में दिया हुआ है, एक बार आपको अच्छे से उसको समझना है और देखना है, क्वेश्चन आपका फिर देखिए एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि बाय द ईयर 2006 हाउ मेनी रेलवे जोन्स वेर क्रिएटेड अंडर द इंडियन रेलवे। तो देखिए ईयर बाय ईयर प्रोग्रेस की यहाँ पे बात कही जा रही है, तो 2006 की अगर बात करें तो उस समय जो है टोटल 13 रेलवे जोन्स थे जो कि क्रिएट किए गए थे इंडियन रेलवे के अंदर में। तो करंटली अभी जैसे बात करते हैं तो अभी जैसे आपका 19 है इंक्लूडिंग मेट्रो रेलवे, आप लोग ऑप्शन देख लेना कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको आंसर करने होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन द साउथ सेंट्रल रेलवे, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर में जो है कितने डिविजन्स है। तो देखिए दोस्तों हमने जो आपको बताया था यहाँ पे कि जैसे अगर आप लोग कोई चीज़ डिवीजन के बारे में जैसे जोन के बारे में आप देखते हो, तो उसके फर्दर और डिवीजन जो है किए गए हुए हैं, तो आपको जो है उनको भी याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन में आपका यहाँ पे पूछा गया था आपका यहाँ पे कौन सा, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में था आपका यहाँ पर कि डिवीजन कितने साउथ सेंट्रल रेलवे की। तो देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे की अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग, और साउथ सेंट्रल रेलवे देखिए यहाँ पे 12वें नंबर में आपका दिया हुआ है इसके अंदर में साउथ सेंट्रल रेलवे, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ है इसके अंदर में सिकंदराबाद, हैदराबाद और नैंडेड है आपका, तो ये जो है साउथ सेंट्रल रेलवे के है इसके अंदर में। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका जैसे घुमा फिरा से कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है आपका यहाँ पे। तो अब देखिए ये जो है ना, जब क्वेश्चनों का पूछा गया था तो उस समय जो है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर में उस समय जो टोटल 6 थे, लेकिन अब इसको फर्दर डिविजन कर दिया गया हुआ है तीन तीन करके अलग अलग करके, तो आप जो है इसका देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको एंसरिंग करने होंगे। तो उस समय 6 थे इसके, लेकिन अब जो है इसको भी अलग अलग कर दिए गए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है आपका इनको अलग करके जो है आप मतलब तीन ही आपका एक्चुअली में ये जो है और भी इसके अंदर में थे यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर में, जो कि सिकंदराबाद जंक्शन के अंदर में आपका ये आता है।
तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी आपके डेटा दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर बात करते हैं साउदर्न रेलवे की, तो इसमें जो है आपका टोटल रेलवे डिवीजन जहाँ पे, तो वह आपका चेन्नई, तिरुचुपल्ली, मदुरई, पालघाट, सालेम और तिरुवनंतपुरम है आपका। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। साउदर्न रेलवे की बात करें तो इसके अंदर में जो है आपका चेन्नई, तिरुचुपल्ली, मदुरई, पालघाट, सालेम और तिरुवनंतपुरम, तो ये जो है कुल मिला के आपका यहाँ पे जैसे 6 आपका हो गया। तो आप इस तरीके से और भी आप देख सकते हो, जैसे साउथ कोस्ट रेलवे है आपको जो कि लेटेस्ट है सबसे, तो इसका देखिए जो हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम है, और इसका जो है आपका तो वह है वाल्टेयर, विजयवाड़ा, गुंटूर और आपका है गुटनकलर, इसमें दिया हुआ आपका ये। तो ये सारा चीज़ को जो है आपको याद रखना होगा। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो इसमें देखिए हुबली, बेंगलुरु और मैसूरू, तो ये जो है इसके जो कि डिवीजन्स हैं इसके अंदर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए अगला दिया हुआ है कि गुवाहाटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ, तो गुवाहाटी जो है ये हेडक्वार्टर किसका है। तो देखिए जो गुवाहाटी है आपका, तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो है आपका ये जो है आपका हेडक्वार्टर है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर गुवाहाटी है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की, अगर हम लोग जैसे कि इसका हम लोग बात करते हैं हम लोग, आप यहाँ पे जो है इसका देख सकते हो। देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का, जैसे मालीगांव गुवाहाटी के अंदर में आपका जो कि आसाम में आपका आता है ये, तो ये जो है आपका इसका आंसर जैसे कि दिया हुआ था आपका गुवाहाटी का जो है वो आता है आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का है, ये जोन है उसका हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा किसी भी तरीके से आपका पूछा जा सकता है। आपका सिंपली ये भी पूछा जा सकता था कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर कौन सा है, इसका जोनल हेडक्वार्टर तो आपका आएगा मालीगांव गुवाहाटी। क्वेश्चन घुमा फिरा के ये आपका पूछा गया था यहाँ पे कि जैसे कि गुवाहाटी जो है ये जोनल हेडक्वार्टर किस रेलवे जोन का है, तो ये है आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि हाजीपुर जो है, तो ये कौन से जोन का हेडक्वार्टर है, तो ये है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, और इसमें डिविजन्स कितने हैं टोटल कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट इसका देख सकते हो। आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन देखिए आपका किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, इसका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे, तो देखिए यहाँ पे साउदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको जैसे कि अगर सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे इंडिया का मैप आप लोग देखते हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग ये एनालिसिस अगर करोगे ऑप्शन को देख के भी आप लोग इलिमिनेट कर सकते हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे बात की जा रही है साउदर्न रेलवे की, तो साउदर्न रेलवे साउदर्न पार्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें से कौन कौन सा शहर आपका हो सकता है, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो बेंगलुरु है, तो ये देखिए ये जो है आपका जैसे कि अगर बात करते हैं कि ये साउथ में तो है, लेकिन ये साउथ का वेस्ट के रीजन में आपका आता है यहाँ पर ये, तो आप इसको मे भी इलिमिनेट आप लोग कर सकते हो। कोलकाता को आप लोग तो ऐसे इलिमिनेट कर दो क्योंकि ये जो है आपका ईस्ट पार्ट में आपका आता है। हैदराबाद का देखिए बात करते हैं हम लोग, इसमें भी आपको डाउट हो सकता है कि ये साउथ में है, लेकिन देखिए चेन्नई है, ये सबसे साउदर्न में रीजन में आपका आता है। तो इस तरीके से इसका देखिए राइट आंसर चेन्नई सेंट्रल तो आपका होगा ही, क्योंकि साउदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है आपका तो वो चेन्नई सेंट्रल के अंदर में है। लेकिन ऑप्शन को देखते हुए आप लोग कुछ हद तक जो है इलिमिनेशन आप लोग यहाँ पे कर भी सकते हो। तो देखिए ऑप्शन में भी आपको यहाँ पे जैसे कि देखने को मिल जाएगा। अब जैसे साउदर्न रेलवे की अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग, जो कि ये पूरा डेटा आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आप जैसे देखोगे यहाँ पे, तो साउदर्न रेलवे का आपका है वह है सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल है आपका इसका जोनल हेडक्वार्टर। और टोटल रूट लेंथ की बात करते हैं इसका आपका 5,079 किलोमीटर है आपका यहाँ पर ये टोटल, और इसमें डिवीजन जो आता है तो जैसे कि आपका चेन्नई है, तिरुचुपल्ली है, मदुरई है, पालघाट है आपका, सालेम है और तिरुवनंतपुरम है, तो ये जो है रेलवे डिवीजन है जो कि आपका आता है ये साउदर्न रेलवे के अंदर में, जो कि इसका जो हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई सेंट्रल है। तो आप जो है पूरा देख सकते हो इसके अंदर में डिटेल में दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, एक बार आप लोग अच्छे से कंटेंट को आप लोग रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे, तो सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे अगर सेंट्रल रेलवे की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहो, जैसे कि इसमें मुंबई है आपका, हुबली है, चेन्नई है, न्यू दिल्ली, तो देखिए चेन्नई को तो आप लोग ऐसे एलिमिनेट कर सकते सेंटर में तो है नहीं। इसके अलावा हुबली ये भी आपका दिया हुआ है, तो देखिए हुबली भी जो है तो ये इसको भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो कि ये सेंटर में तो है नहीं। तो इस तरीके से अब आपका बचा यहाँ पे मुंबई और न्यू दिल्ली,
तो इसमें एग्जैक्ट आपको याद तो रखना ही है, लेकिन ऑप्शन कुछ हद तक इलिमिनेट करके भी जो है आप लोग बता सकते हो। तो देखिए सेंट्रल रेलवे का आपने अभी देखा था यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि सेंट्रल रेलवे का, तो इसका देखिए जो आपका हेडक्वार्टर है सेंट्रल रेलवे का, तो है मुंबई CSMT। तो इसका राइट आंसर मुंबई CSMT हो जाएगा। और इसका रेलवे डिवीजन जो है, तो इसमें आपका मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर, नागपुर, सीआर, तो ये जो है इसके रेलवे डिवीजन्स है। तो आपको देखिए सभी को जो है अच्छे से याद रखना होगा। फिर आपको देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाए आपसे, तो आप जो है उसका इजीली आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी आंसर करने में। तो इसका देखिए क्या आपका हो जाएगा, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है आपका। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे डिपार्टमेंट जोन्स ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा जो है लॉन्गेस्ट रेलवे डिपार्टमेंटल जोन्स है इंडिया का। तो देखिए अगर हम लोग देखते हैं रूट लेंथ के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, या फिर और भी जो रहते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो जो नॉर्दर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे जो है जो कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1952 में, तो ये जो है लार्जेस्ट जोन्स है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर कवर्ड, यानी कि इसका अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 6,807 किलोमीटर है पूरा इसका। तो इस तरीके से ये सबसे जो है लॉन्गेस्ट रेलवे डिपार्टमेंटल जोन्स है इंडिया का। तो क्या होगा देखिए, नॉर्दर्न रेलवे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा सकता है एग्जामिनेशन में, तो आपको जो है याद रखने ही होंगे। तो देखिए दोस्तों इसके रिगार्डिंग और भी आपको डिटेल में मिल जाएगा PDF के अंदर में। और देखिए जो जोन्स की यहाँ पे जो हमने आपके लिए बात किया था, तो देखिए जो जोन जो होता है ना, जो डिवीजन जो रहते हैं इंडियन रेलवे के, तो जितने भी जोन्स उसके अंदर बहुत उनका डिवीजन किया गया हुआ है। तो बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन किया था है उनका ना, तो उनके अंदर में बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग इंडियन रेलवे है, तो इसका देखिए एक जोन का एक GM होते हैं, और फिर फर्दर उनका डिवीजन में बांटा जाता है, तो डिवीजन का अंदर में DRM ADRM होता है, और फिर फर्दर जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर में, जैसे कि DPO होते हैं, सीनियर DPO का आपका देखा होगा अपने हेडक्वार्टर उनका जैसे बिल्डिंग रहती है, सीनियर DM का रहता है आपका, CMS का रहता है, सीनियर DOM का, DME का, DST का, DIN का, DEE का रहता है, या DSO का रहता है, DFM का रहता है। तो इन सब का जो है अलग अलग अपना डिपार्टमेंट रहता है, जो कि अपने विभाग का सारे कार्यभार ये देखते हैं, उनके अंदर इम्प्लॉई कितने हैं, या फिर जो है उनका फंक्शंस क्या है, अपने विभाग का जो कार्य होता है, तो ये सारे डिविजन्स के अंदर में जो है इनका बांटा हुआ रहता है। तो इन सब का काम क्या रहता है, या फिर जो है इनके कौन हेड रहते हैं, हेड कौन रहते हैं ये सारे डिपार्टमेंट के, तो ये सारा चीज़ देखिए आपको पूरा PDF के अंदर मिल जाएगा। एटलीस्ट एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख के चले जाना एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन आपका पूछेगा इससे तो आपका जो है छूटेगा नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, और आप लोग जो है आप लोग अपना अच्छे से तैयारी करते चलो, हम आपके लिए जो है पूरे मेहनत कर रहे हैं कि ताकि कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड किया जाए। और PDF हमने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है, तो आप लोग जो है इनको बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।